हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 23 मार्च 2020 मार्केट इतना गिरा जो इतनी गिरावट आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना गिर गया। शुक्र है मार्केट बंद हो गया। अगर पूरा दिन मार्केट चलता तो पता नहीं क्या हो जाता। एक बार सर्किट लगा, उसके बाद फिर से गिरावट। अमूमन क्या होता है, सर्किट लगने के बाद एक पुल बैक आता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। सर्किट लगने के बाद और सर्किट लगने के बाद 10% पे सर्किट लगा, उसके बाद फिर 3.5% गिर गया मार्केट। देखिए फ्रेंड, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, उस स्टोरी को आप सुनिए, उसके बाद आपको क्या लगता है आप बताएंगे। आपके घर में एक फंक्शन हो रहा है और आपके दोस्त के घर में एक फंक्शन हो रहा है, आप कहाँ पर जाना, मतलब आप कहाँ पर जाएंगे? आपके घर पे, अपने घर पे जाएंगे या फिर अपने दोस्त के फंक्शन में जाएंगे? आप खुद से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख के आप खुद से पूछिए। ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि भाई मैं अपने घर पर फंक्शन में ही रुकूँगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक बात हो रहा है ग्लोबली। जो फॉरेन इन्वेस्टर है हमारे इंडिया में, जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, चारों ओर मंदी है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपने एक्सचेंज में जाकर अभी इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भारी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। वो यहाँ पर माल बेचकर वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। ऐसा ही हो सकता है, आप भी सोचे यही, लेकिन फ्रेंड्स यही सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो गिरावट का जो सिलसिला है वो मतलब लगभग 3 से 4 महीने पहले से ये गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, और पता नहीं कब जाकर ये गिरावट का सिलसिला ख़त्म होगा। हम सब तो तेज़ी देखने के लिए तरस रहे हैं, कब आएगी तेज़ी, बुल रन कब आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात आप अपने आप से पूछिए, मार्केट अगर गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? अगर निफ्टी हर रोज़ बढ़ जाए, अगर सेंसेक्स हर रोज़ बढ़ जाए, तो वो क्या 40,000 के लेवल पे रहता या फिर 50,000 के लेवल पे रहता, या फिर आज जो 25,981 के लेवल पे वहाँ पर रहता? अगर 400 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, 561 में 1986 में जब BSE में सेंसेक्स का जो शुरुआत हुई थी, तब अगर 561 का भाव अगर तब है, और अगर बढ़ते बढ़ते अगर ये बढ़ता ही जाता तो कहाँ पर जाके रुकता? रुकना तो पड़ता है इसको, कहाँ पर जाके रुकता? इसीलिए मैं आपको फ्रेंड्स यही बात कह रहा हूँ, मार्केट गिर रहा है, उससे डरना मत। हर किसी को डर लगेगा, मुझे भी डर लग रहा है, मार्केट इतना गिर रहा है, कब जाकर रुकावट आएगी यहाँ पर, कब बाउंस बैक होगा, कब रैली आएगी, उछाल आएगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट के उसूल को और रूल को समझिए। अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो मार्केट बढ़ेगा कैसे? अगर और एक बात समझिए, मार्केट हर रोज़ नहीं गिर सकता, मार्केट को एक जगह पर आकर रुकना ही है, लेकिन आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कहाँ पर जाके रुकेगा। और अगर हम लोग सोचे कि मार्केट रुक जाए तब हम लोग बाई करेंगे, तो ऐसा सोचना आपके लिए एकदम बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मार्केट कहाँ पर रुकेगा इसका अंदाज़ा किसी के पास नहीं है, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा मार्केट में कहाँ पर बॉटम बनेगा। अगर इसकी प्रेडिक्शन कोई लगा पाता तो स्टॉक मार्केट इसका नाम नहीं होता फ्रेंड्स, तो इसका नाम भी बैंक FD हो जाता। तो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता, जब आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाते थे, जब 2019 में जब आप अच्छा रिटर्न कमाते थे, तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा। तब आप सोचते थे मार्केट कब बढ़ेगा, मैं और ज़्यादा पैसे लगाऊंगा। फ्रेंड्स, तब आप पैसे लगाते थे, लेकिन अब मार्केट अब गिर रहा है, अब पैसे लगाइए, ये पैसे लगाने का वक्त है। आपको क्या करना है, उन स्टॉक को अभी आपके पोर्टफोलियो में जगह देने की समय है, जिनको आप कभी सोच भी नहीं पाते थे कि मैं इसको बाई करूंगा। आप आज देखिए हनीवेल ऑटोमेशन कितना गिरा, 20% के आसपास गिरा, MRF कितना गिरा, रिलायंस इंडस्ट्री कितना गिरा, बजाज फाइनेंस कितना गिरा। देखिए उन कंपनियों के तरफ एक बार आँख उठा के देखिए, वो लोग भी गिर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में कुछ छोटे स्टॉक है, आप उनको बचाने के चक्कर में वो जो रैली आई है उन छोटे बड़े स्टॉक में, वो जो ब्लू चिप में जो गिरावट आई है, उसको आप इस गिरावट में उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपका जो लॉस है, मैं समझ सकता हूँ हर किसी के पोर्टफोलियो में अभी बहुत लॉस है, हर किसी के चाहे वो कितना बड़ा भी इन्वेस्टर हो, उसके पोर्टफोलियो में भी लॉस है।
आपके पोर्टफोलियो में भी लॉस है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने लॉस को बचाने के चक्कर में उन खराब स्टॉक में और ज़्यादा एवरेज करने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो गिरावट आई है अच्छे स्टॉक में, ये गिरावट का फ़ायदा आप शायद ना उठा पाए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो लॉस में है, अगर आपको लगे ये कंपनी मेरे लिए ठीक ठाक है, अच्छी है, ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए। और नई कंपनी, नई बड़ी कंपनी जो गिर गई है, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसिंग में गिरावट आई है, उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। फ्रेंड्स, आपको शायद ये मेरी बात बुरा लग सकती है, आपको शायद ये मेरा बात अच्छा नहीं लग सकती, लेकिन फ्रेंड्स ये सच्चाई है। अगर आप इस बात से डिसएग्री करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 5 रुपये का स्टॉक, आपने कोई 5 से 10 रुपये का स्टॉक बाय करके रखा है। मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, हर कंपनी अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी अगर इस जो ये जो गिरावट है इसमें भी अगर वो स्ट्रगल कर रही है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी है। फ्रेंड्स, कोई कंपनी बुरा नहीं है, हर कंपनी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें पैसे कमाने हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हमें अच्छा मुनाफा कमाना है। तो मुनाफा कमाने के चक्कर में इमोशन को छोड़िए, इमोशन को डिलीट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं जो बात कह रहा था, आपने किसी 5 से 10 रुपये का भाव वाला कोई स्टॉक खरीद के रखा है, और कोई 50,000 वाला कोई स्टॉक, या फिर कोई 20,000 वाला स्टॉक, या फिर कोई 5,000 वाला स्टॉक, या फिर कोई 10,000 वाला स्टॉक, वो स्टॉक गिरकर आधा हो चुका है, या फिर कह सकते हैं 60% से भी ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। वो स्टॉक कौन सी कंपनी पहले बाउंस बैक करेगी, पहले इस ये जो माहौल है इस माहौल में इस पहले रिकवर करेगी? बड़ा जो स्टॉक है, बड़ा जो कंपनी है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है, जिसके पास ज़्यादा मार्केट कैप है, वो, या फिर वो पैनी स्टॉक, जो स्टॉक आपने बाय करके रखा है, आप अपने आप से पूछिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ कर आप नई कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिर्फ ये एक सजेशन दे रहा हूँ, कह सकते हैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप वो कीजिए जो आपने कभी नहीं किया। ये वो करने का वक्त है, कोरोना वायरस आएगा, आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था। आज से 1 साल पहले, अभी आपने कभी सोचा था कि स्टॉक मार्केट में कोरोना वायरस नाम का एक वायरस आएगा, इंडिया में, ग्लोबली, हर कोई स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को, हर किसी को डरा के रख देगा? आपने सोचा था? नहीं सोचा था। तो अब आपको वो सोचना है, वो करना है जो आपने कभी नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, पैसा बनाने का वक्त ये पैसा बनाने का वक्त है। यहाँ पर डर के उन स्टॉक को अपने सीने से लगा के रखने का वक्त नहीं है, काट के फेंक दीजिए। अगर आपको लगे वो स्टॉक कभी पैसे नहीं देगी, कभी पैसे बना के नहीं देगी, तो काट के फेंक दीजिए। लेकिन अच्छे कंपनी को ही काट के फेंक दीजिए। बहुत से ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स जो बहुत अच्छी कंपनी है और उनका प्राइसिंग कम है, मैं उन कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से निकालने की सलाह नहीं देता। बहुत से अच्छी कंपनी जो जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका प्राइस कम है, ऐसी, मतलब फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस को आप मत देखिए, क्वालिटी को देखिए। आप प्राइस को, अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ पर, आप प्राइस को मत देखिए, क्वालिटी को देखिए, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, क्वालिटी को देखिए, समझ पा रहे हैं आप? और फ्रेंड्स अभी आपको वो करना है जो आपने पहले कभी नहीं किया, पोर्टफोलियो का बैलेंस मत बिगाड़िए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, पैसा लगाने के लिए और आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिविजिट कीजिए। उसके बाद आप खुद से पूछिए, मेरी बात सुनकर कल आप कुछ गलत कदम उठा ले, मैं आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे भी स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं पता, हो सकता है आपको ज़्यादा पता है। आप मेरी बातों में आकर अगर आप कल कोई अच्छे स्टॉक को बेचकर कोई और स्टॉक खरीद ले तो वो एक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, तो वो नहीं करना। आपको एक बार देखना है, अगर आपको लगे कि आपका पोर्टफोलियो ठीक है, सेफ है, यहाँ पर रिटर्न बनेगा, अगर आपको लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया और ख़राब कंपनी में रिस्क ले लिया, तो आपको एक बार चेक करना है और उसको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही कहा, आपको उसको काट कर फेंक देना है, उन स्टॉक को, उन मंदी को आपको काटना है, मंदी काटना है फ्रेंड्स, मंदी नहीं करना। यहाँ पर आपको लॉस नहीं करना, अगर आप लॉस में हैं और ज़्यादा लॉस नहीं करना, लॉस को बुक करना सीखिए। उसके बाद आप देखिए क्या करना है,
आपको मुझे मुझसे ज़्यादा पता है आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में, मुझे नहीं पता आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक अभी बाय करके रखा है। हो सकता है वो बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैं बता पाया कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और दूसरों के साथ साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।